साथियों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों मैं आज आपको बताऊंगा कि जो भी लोग ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी चलाते हैं, मैक्सिमम लोगों का रिन्यूअल करने का समय आ गया है, अब उनको रिन्यूअल करना है। बहुत सारे लोग हैं जो CMS या अन्य बहुत सारी कंपनियों से काम कर रहे थे, जो कि जो है आज आत्मनिवास से संबंधित जो भी उसमें वर्क हैं वो सभी लोग करते थे, लेकिन इसको अब रिन्यूअल करना है। तो रिन्यूअल कैसे होगा, आपको सेम डे में उसी दिन आपको आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, और किन लोगों को मिल जाएगा और किन लोगों को अभी एक दो दिन लेट लगेगा, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा कि ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी सहज जनसेवा केंद्र है जो श्रेय सहज ई विलेज लिमिटेड के द्वारा आप लोगों के बीच में है। इसकी आईडी चाहिए आपके पास, पहले आप काम करते थे आपके पास इसकी जो है B2C की आईडी है, तो आप G2C की आईडी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए जो है आपको क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। तो जो भी लोग सहज की आईडी चलाना चाहते हैं वो लोग सहज .co.in लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे और इस तरह से उनको एक होम पेज खुलेगा। इस होम पेज पर आने के बाद जो है आपको देखिए होम पर ही आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई करके नीचे आप आएंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कृपया अपनी सहज की मेल आईडी चेक करें और अपने ई डिस्ट्रिक्ट आईडी G2C आईडी प्राप्त करने के लिए S लिखकर रिप्लाई करें या फिर दिए गए लिंक को भरें। इसके अलावा साथ ही देखिए यहाँ पर एक आवश्यक सूचना इस तरह से मिल जाएगा आपको, समस्त केंद्र संचालकों को सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक 16 नवंबर 2020 से उत्तर प्रदेश के CSC 3 प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 2 जिलों में सेवाओं प्रदाता DSP संस्थाओं का चयन प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। 16 नवंबर 2020 के उपरांत जनपद में जनसेवा केंद्रों को संचालक उस जनपद के लिए चुने गए हैं जहां सेवा प्रदाता DSP द्वारा ही किया जाएगा। अंततः आप उनमें से किसी भी संस्था का चयन करके अपनी पंजीकरण करा सकते हैं। 16 नवंबर 2020 साय 5 बजे के उपरांत वर्तमान यूजर आईडी प्रिंट अनुमोदन मोड में कर दी जाएगी। तो साथियों जो भी लोग पहले से काम कर रहे हैं वो लोग जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड करेंगे, जिनके पास आईडी है वो यहां से रजिस्टर करें, जिनके पास आईडी नहीं है मैं उनको भी बताऊंगा कि वो लोग कैसे सहज की आईडी पा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ जरूरी आपको इन्फॉर्मेशन देने हैं जो आपको फिलअप करना है। क्लिक करते देखिए यहाँ पर जो है एक गूगल पेज खुल गया, इसको आपको जो है फिलअप करना है और जो भी इम्पॉर्टेंट आपके इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर डालना है। आपको सामने देखिए ये पेज खुला और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अपने ई डिस्ट्रिक्ट G2C आईडी प्राप्त करने के लिए सबमिट करें। आपको अपना मेल आईडी भरना है, ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद जो है आप जो सहज सारथी युद्ध किनारे पर वहाँ पर क्लिक करना है, जो उत्तर देना है उसका जो है, उसके बाद जो है अपना रूलर है अर्बन है क्या है इसको आप सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर ऐसे डालकर रजिस्टर करेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिट सक्सेसफुल होगा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद जो है आपको कुछ समय के बाद ही आपके मेल आईडी पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। साथियों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट एडवाइज चलाते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी नए समाचार आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, वो हमारे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।